बसमलर रहीम सैदा सद्दीक़ा रजी अल्ला तहा का मुनफरद एज़ाज़ इस हवाले से हम एक वाक़ जो सही हैन में मौजूद है यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैदायशा सिद्दीक़ा रजी अल्ला तहा खुद रिवायत करती हैं कि हजूर आल्सलाम का मामूल सफ़र था कि आप क़रा अंदाजी फरमाया करते और सफ़र में जिसके नाम का कुरन निकलता अपने अजवा पाक में से उसे अपने हमरा रखते तो गजवा बनी मुस्तलक़ में सदा आयशा सद्दीक़ा रजी अल्लाह तजूर सलातम के हमरा रही वापसी पर आपका हार गुम हो गया और आप उसकी तलाश में जब गई तो पीछे से लचकर रवाना हो गया सैदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तहा हज़रत सफवान बिन मातल के ऊंट पर सवार होकर दोपहर को मदीना मुनवरा पहुँची तो रईसमुनाफिकीन और उनकी पूरी टीम ने इस पर एक तूफान बपा कर दिया और इल्ज़ाम तराशी और बद किरदारी का इल्ज़ाम लगाया और ये खबर पूरे मदीना मुनवरा में फैल गई जिसकी वजह से आप बीमार हो गई नकाहत बढ़ गई आप हजूर सलाम की इजाज़त से अपने मेके चली गईं वालदा की तसल्ली के बावजूद आप फरमाती हैं गम हल्का ना होता आंसू ना थमते और नज़ूल वही में तखीर हुई मुझे यूँ महसूस होने लगा कि इस गम की वजह से मेरा कलेजा फट जाएगा अल्लाह वक्त आप फरमाती हैं कि मैं इसी हाल में थी कि नबी करीम वसलाम तशरीफ़ लाए पा जब कि आप पर वही की कैफ़ीत के आसार शुरू हुए अल्लाह पर जब वही की कैफियत हुजूर पर ख़त्म हुई तो नबी करीमलातम हंस रहे थे और पहला जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया अब श्री या आयशा अम्मा अल्लाह अज्जा वजल कद फकद बर आका तो ये खुशखबरी हो अल्लाह ताला ने तेरी सच्चाई बयान फरमा दी और दस कुरानी आयात का नजूल हुआ जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया उलाय का मुबर्र नामा यक़ुल के वो मुनाफिकीन झूठे हैं और सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अनहा की सच्चाई का बयान कर दिया गया तो ये अल्लाह पाक का आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना पर मुनफरिद एज़ाज़ इनाम और करम हुआ चुनाचे दस कुरानी आयात का नज़ूल हुआ सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तहा की सच्चाई के हवाले से मुनाफिकीन का उठाया हुआ तूफान थम गया तोहमत लगाने वालों को अस्सी कोड़े लगाए गए